नमस्कार, स्वागत है आपका ENN भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। मणिपुर में हिंसा को भड़के हुए 55 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। वहां की बीजेपी सरकार इस हिंसा को रोकने में लगभग नाकाम हो गई है, लेकिन इस पर अभी तक देश के प्रधानमंत्री का एक भी बयान या एक भी शांति की अपील सामने नहीं आई है। सभी को लग रहा था कि अमेरिका जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गृह मंत्री ने इस हिंसा पर बैठक बुलाई थी, लेकिन इसका कोई भी हल नहीं निकला। मणिपुर में हिंसा अभी भी जारी है। इस हिंसा में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार यानी कि 29 जून को मणिपुर पहुंचे। वे यहां पर 2 दिन का दौरा करने वाले थे, लेकिन राहुल गांधी के इम्फाल एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उनके काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। खबरें आई हैं कि विष्णुपुर के पास पुलिस ने उनका काफिला रोक दिया है। हालांकि पुलिस ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है, लेकिन कांग्रेस नेता काफिला रोके जाने का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि मोदी सरकार राहुल गांधी को रोक रही है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि राहुल गांधी शांति और मोहब्बत का पैगाम लेकर मणिपुर पहुंचे हैं, लेकिन इस बात से तानाशाह डरा हुआ है। राहुल गांधी के काफिले को रोके जाने पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी सरकार राहुल गांधी को राहत शिविरों का दौरा करने और इम्फाल के बाहर के लोगों से बातचीत करने के लिए रोक रही है। प्रधानमंत्री चुप रहना या निष्क्रिय रहना चुन सकते हैं, लेकिन वे मणिपुरी समाज के सभी वर्गों को सुनने और उन्हें राहत देने के लिए राहुल गांधी के प्रयासों को क्यों रोक रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर मोदी को आड़े हाथों लिया। खड़गे ने लिखा कि मणिपुर में राहुल गांधी के काफिले को रोक दिया गया, पीएम मोदी ने मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़ने की जहमत नहीं उठाई, उन्होंने मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ दिया। अब उनकी डबल इंजन वाली विनाशकारी सरकारें राहुल गांधी की पहुंच को रोकने के लिए निरंकुश तरीकों का इस्तेमाल कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो राहुल गांधी पर बीजेपी ने राजनीतिक अवसरवादी होने का आरोप लगाया है। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर निशाना साधते हुए लिखा है कि राहुल गांधी कोई शांति के मसीहा नहीं है, बल्कि राजनीतिक अवसरवादी हैं। अमित मालवीय ने सवाल उठाया है कि कांग्रेस की सरकार में जब मणिपुर में हिंसा हुई थी तो उस समय राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया था। हालांकि यहां पर अमित मालवीय अपने प्रधानमंत्री को यह भी कह सकते थे कि उन्हें भी मणिपुर का दौरा करना चाहिए, मणिपुर के लोगों से बात करनी चाहिए, हिंसा को रोकने के प्रयास करने चाहिए, लेकिन अमित मालवीय ने तो राहुल गांधी पर ही सवाल उठा दिए। चलो माना कि राहुल गांधी उस समय नहीं गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो समझदार है ना, उन्हें तो मणिपुर जाना चाहिए था, वहां तो उन्हीं की सरकार है। भले ही मणिपुर ना जाते, लेकिन वहां की जनता के लिए एक ट्वीट ही कर देते, वहां के लोगों से शांति की अपील ही कर देते, लेकिन प्रधानमंत्री से इतना भी नहीं हुआ। शायद उन्हें चुनाव प्रचार और अपने PR इवेंट से फुर्सत ही नहीं मिली, इसीलिए तो उनका ध्यान मणिपुर पर नहीं जा रहा है। हमारा तो सरकार को यही सुझाव है कि राजनीति किसी भी मुद्दे पर हो सकती है, लेकिन अगर आप सत्ता में हैं तो यह आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप वहां की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखें, ना कि हर चीज़ के लिए विपक्ष या पिछली सरकारों को कोसे। मणिपुर में राहुल गांधी का काफिला रोके जाने और हिंसा पर प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। नमस्कार।